धर्म इंग्लिश में जैसा समझा जाता है, डिक्शनरी में लिखा है, ए फेथ, एक प्रकार विश्वास। मैं हिंदू का घर में जन्म लिया है, इसीलिए हिंदू धर्म में हमारी आस्था है। मुसलमान का घर में जन्म लिया तो मुसलमान धर्म में आस्था है। तो डिक्शनरी में बताते हैं एक काइंड ऑफ फेथ। हमारा भागवत धर्म जो है वो दूसरी चीज, वो फेथ नहीं है। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का अर्थ होता है जो भगवान जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से ग्रहण करने से उसका नाम है धर्म। भगवान खुद आकर के बता रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं ब्रज, यही धर्म, और सब धर्म नहीं है। जिस धर्म में भगवान को नहीं समझा जाता है, भगवान क्या वस्तु है, भगवान से हमारा क्या संपर्क है, और उस संपर्क का अनुसार हमारा क्या कार्यक्रम है, ये सब चीज जो समझता नहीं है वो धर्म का विषय कुछ नहीं जाता। ऐसा सेंटीमेंट हमारा ये धर्म है, हम इसको मानते हैं, तो शास्त्र में उसको धर्म नहीं बताया। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। प्रणीतम का अर्थ होता है बनाया हुआ, बना रहे हैं। भगवान नित्य है और भगवान जो कहते हैं वो भी नित्य है। भगवान का संपर्क से सभी नित्य है। भगवान नित्य है, भगवान की रूप नित्य है, भगवान का गुण नित्य है, भगवान का कार्यक्रम नित्य है, भगवान का धाम नित्य है, भगवान का भक्त नित्य है, सब नित्य है, इटर्नल। तो धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। इसलिए भागवत का ये श्लोक जो है सुतो गोस्वामी बता रहे हैं, सभी पुंसां परो धर्म। परो का अर्थ होता है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट और निकृष्ट दो चीज है। प्रकृति उत्कृष्ट और निकृष्ट, भगवान बताए गीता में, भूमि राप अनलो वायु खंग मनो बुद्धि अपरायम विद्धि में प्रकृति। अपरायम ये जो भौतिक वस्तु है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश, ये निकृष्ट प्रकृति है। और उत्कृष्ट प्रकृति है, भगवान जैसे बताते हैं अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति। परा एक परा प्रकृति है। वो परा प्रकृति कैसी चीज है ना, जीवभूत महाभाव जयदम धार जती। जो जीव जो है, जैसे हम लोग है जीव, प्राणी जानवर जिसका जान है, ये परा प्रकृति है। और जो भौतिक शरीर है ये अपरा है, निकृष्ट। क्यों? ये जो निकृष्ट शरीर है, निकृष्ट क्यों बोला जाता है न, क्योंकि रहने वाला असत, असत वस्तु, टिकने वाला। और जो जीवात्मा है जो ये शरीर को धारण किया है, देहिन अस्मिन यथा देहे अस्मिन देहे, ये शरीर में जो मालिक और नहीं तो बैठने वाला ऑक्युपायर, दो चीज होता है ना एक मकान में, एक मकान का मालिक होता है और एक मकान का ऑक्युपायर होता है, टेनेंट होता है, समझ। टेनेंट है वो मालिक नहीं है, मालिक अलग। इसी प्रकार दो आत्मा ये शरीर में बैठे हुए, एक है ऑक्युपायर जिस जीवात्मा जिसको ये शरीर दिया गया है, तुम ये शरीर लो, वो ना नहीं बोल सकेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि जंत्रा रूढ़ानि माय। भगवान सबका हृदय में बैठे है, आपका हृदय में, हमारा हृदय में है, और भगवान सब कुछ जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूत भविष्यत वर्तमान। हम जैसे चाहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो भगवान ये सुविधाएं हमको दीजिए, भगवान दे देता।
भगवान के लिए क्या मुश्किल है? भगवान तो सभी देता है, और कुछ मैं चाहता हूँ तो भगवान वो भी दे देता है। भगवान से कोई प्रार्थना करे कि भगवान हम सब कुछ खाएं, कोई विचार नहीं, तो भगवान उसी प्रकार शरीर बना देते हैं सुअर का, ले गु भी खाओ, कोई विचार का बात नहीं, ऐसे शरीर बना देता है, खूब मजा से गु खाते। भगवान हमको ऐसा शरीर दीजिए जो हम खूब मांस और खूब खून खा सके। अच्छा ठीक है, ले शेर बन जाओ। भगवान देता है ये शरीर। ब्राह्मण सर्वभूतानि जंत्रारूढानि मान, मैं चाहता हूं ये दुनिया में भ्रमण करने के लिए, और हर एक प्रकार मैं इच्छा करता हूँ। इच्छा देश समुत्थे न सर्गे जानति परंतप, कुछ चीज तो मैं इच्छा करता हूँ और कुछ देश करता हूँ, ये चीज मैं नहीं चाहता और ये चीज मैं चाहता हूँ। कोई इच्छा और देश दो चीज हमारे पास है, कुछ चीज तो हम पसंद नहीं करते हैं और कुछ चीज हम पसंद करते हैं। जैसे चीज हम मैं पसंद करता हूँ उसी प्रकार एक शरीर भगवान हमको दे देते। इसीलिए शास्त्र में बताया है जो जीवात्मा जो है वो शरीर में बैठे हुए हैं, जैसे आप लोग मोटर में बैठते हैं, एक ड्राइवर होता है, एक मालिक होता है, और वो मोटर भी होता है। तो मोटर है ये शरीर यंत्र, जैसा मोटर यंत्र है इसी प्रकार ये शरीर भी एक यंत्र है, और उसको ड्राइवर समझिए और मालिक, दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक ड्राइवर है एक मालिक है, और मालिक जैसे बताते हैं ड्राइवर ऐसे चलाते हैं, इसी चल रहा है। दो आत्मा, एक परमात्मा और एक जीवात्मा, ये शरीर में बैठे हुए हैं। ये उपनिषद में भी ऐसे कहते हैं कि एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक फल को खाते हैं और एक केवल देखते हैं। तो देखने वाला जो परमात्मा है वो भगवान, और ये शरीर से परिश्रम करके जो फल लाभ होता है उसको जो भोग करता है उसका नाम है जीवात्मा। दो है, तो दुनिया इसी प्रकार चल रहा है भ्रम से। सब जीवात्मा वो समझते हैं मैं शरीर हूं, और शरीर का जो भोग है वो हमारा जीवन का उद्देश्य है। Saparashoka Dukha Jai Guchibhe Nachau, Nachau, Nachau Prabhu Nachau Seva